हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन, इस वीडियो में हम वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशंस पढ़ेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उससे नेक्स्ट जो वीडियोस बनेंगे उसमें हम इंटीग्रल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड टू सॉल्व एन इंटीग्रल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, मेथड ऑफ इटरेटेड कर्नेल या रिसॉल्वेड कर्नेल टू सोल्व द वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन, ये सारे कुछ हम इन वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, दिस चैप्टर कंटेंट बेसिक डेफिनेशन एंड आइडेंटिटीज ऑफ फोर इंटीग्रल इक्वेशन, वेरियस मेथड टू सोल्व वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड, इटरेटेड कर्नेल एंड न्यूमन सीरीज फॉर वोलेटर इक्वेशंस। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है। ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंटेंट इज टू प्रोवाइड सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट टू द रीडर्स, लाइक जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम रिड्यूस टू वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन, मेथड ऑफ सक्सेसिव सब्स्टिट्यूशन टू सॉल्व वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टू सॉल्व वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड, रिसोल्व कर्नेल एज अ सीरीज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड फॉर अ डिफरेंस कर्नेल। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज होंगी, इनकी कुछ वीडियोज बनाएंगे हम, उनमें हम सब कुछ सीखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है। तो एन इंटीग्रल इक्वेशन इज वन इन विच फंक्शन टू बी डिटरमाइंड अपीयर अंडर द इंटीग्रल साइन, यानी कोई इंटीग्रल इक्वेशन जो होता है, बेसिकली ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास एक फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रल के साइन के अंडर हो, वो इक्वेशन जो होती है इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। जैसे यहाँ पे इंटीग्रल के साइन के अंडर है तो ये इक्वेशन हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन है। इन विच यू एक्स इज द फंक्शन टू बी डिटरमाइंड, जिसमें ये इक्वेशन है इसमें हमारे पास यू एक्स, यहाँ पे यू जाई दिया हुआ है, इस तरह से यहाँ से निकाल सकते हैं हम कि कौन सा फंक्शन निकालना है हमें, और ये यू एक्स जो है डिटरमाइन करना है, एंड के एक्स जाइ इज कॉल्ड द कर्नेल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। के एक्स जाइ जो है उसको हम कर्नेल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन भी कहते हैं। अब वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन, बेसिकली इंटीग्रल इक्वेशन जो है दो तरह की होती है, वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन एंड फरदोलम इंटीग्रल इक्वेशन। तो बेसिकली वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास फ्रेंड्स, पहले वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन देख लेते हैं। एच एक्स यू एक्स एक इक्वेशन है जिसमें एच एक्स यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स, लिमिट जो है वो ए टू एक्स के एक्स जाई यू जाई डी जाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, जो इस तरह की इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन होती है। इसका मतलब इसमें ऐसे फंक्शन जिसमें इस तरह का बी एक्स बराबर एक्स हो, वो इक्वेशन कहलाती है हमारे पास वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन। अब फ्रेंड्स, वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे अगर एच एक्स बराबर जीरो, एच एक्स बराबर जीरो यानी ये फंक्शन जीरो हो, तो उस कंडीशन में जो वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन है वो हमारे पास कहलाती है वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर एच एक्स बराबर जीरो है तो वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाएगी। अगर एच एक्स बराबर वन है, एच एक्स बराबर वन है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन है वो इस तरह से चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिंपल एच एक्स का मल्टीप्लाई था तो वो ये बन हो गया हमारे पास, तो ये बन हो गया, तो ये इक्वेशन जो कहलाती है वो कहलाती है वोलेटर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन कब कहलाती है, जब ये फंक्शन एफ एक्स बराबर जो है ये जीरो हो, अगर ये जीरो है तो उस कंडीशन में जो फंक्शन है वो हमारे पास कहलाता है कि ये इक्वेशन जो है या फंक्शन जो है इंटीग्रल इक्वेशन बन के आती है एफ एक्स बराबर जीरो पे, देन इक्वेशन जो कहलाती है वो कहलाती है हमारे पास होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। तो इस तरह से हम इंटीग्रल इक्वेशंस के कुछ टाइप्स देख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रूल है, वो है हमारे पास लेवेंटीज रूल। लेवेंटीज रूल क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास लेवेंटीज रूल बेसिकली रूल होता है जो कि हमारे पास डिफरेंशिएशन के लिए होता है, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो लेवेंटीज रूल जो होता है वो होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिकली डी ओवर डी एक्स एल्फा एक्स जो कि लोअर लिमिट की तरह काम करती है, बीटा एक्स अपर लिमिट एफ एक्स जाई डी जाई, ये हमारे पास इसका हमें विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है।
तो इस तरह के डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करते हैं, बीटा एक्स, और सबसे पहले जो होता है हमारे पास बीटा एक्स एक्स, ये लिमिट सेम होती है। डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर उसका इंटीग्रेशन डेल जाएगी, और प्लस यहाँ पे आता है एफ एक्स, और जाई को रिप्लेस कर देते हैं जो अपर लिमिट होती है बीटा एक्स से, और डेल बीटा एक्स अपॉन डी एक्स यानी इसका डेरिवेटिव माइनस माइनस, उसके बाद हमारे पास एफ जहाँ पे जाई था इस बार रिप्लेस हो जाएगा ए एक्स जो कि लोअर लिमिट है ए एक्स ये, और यहाँ से डी ओवर डी एक्स जो अब डी ओवर डी एक्स जो होगा एल्फ एक्स यानी लोअर लिमिट का। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला होता है ये फ्रेंड्स हमारे पास होता है लेवेंटीज रूल जो कि अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए काम आता है। इन पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक केस है स्पेशल केस जहाँ पे ए टू एक्स इस तरह से है, तो उस कंडीशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने के लिए डेल के अपॉन डेल एक्स यानी जो के का था उसका हमने डेरिवेटिव कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यू जाई जो जाई का फंक्शन है तो ये तो कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेगा जब विद रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो डेल के अपॉन डेल एक्स यू जाई डेल जाई प्लस, अब अपर लिमिट क्या है वो है हमारे पास एक्स, तो के यानी के एक्स तो एक्स रहेगा और ये जाई जो है वो भी एक्स से रिप्लेस हो जाएगा ये, और यू ये भी एक्स से रिप्लेस हो जाएगा ये फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी एक्स जो कि वन हो जाएगा, तो इसको यहाँ लिखा नहीं है। जब हम नीचे वाले पार्ट का करेंगे इस वाले पार्ट के लिए तो बेसिकली ये क्या है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट की वजह से ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से लेवेंटीज रूल हमारे पास जब भी हमारे पास डिफरेंशिएशन करवाया हो अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रल तो ये यूज होता है। फ्रेंड्स यहाँ तक बात हुई हमारे पास बोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन की। अब जो सेकंड टाइप के इंटीग्रल इक्वेशन है वो होती है हमारे पास फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन। फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन और बोलेट्रा इंटीग्रल इक्वेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता फ्रेंड्स, सिंपली जो यहाँ पे लिमिट है बेसिकली ये लिमिट, अब यहाँ पे क्या है ये लिमिट हमारे पास एक वेरिएबल है, फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन में ये लिमिट जो होगी कॉन्स्टेंट होगी, यानी कि अगर हम लिखना चाहें फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन की जनरल फॉर्म तो वो लिख सकते हैं एच एक्स यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लिमिट ए टू बी के एक्स जाई यू जाई ऑफ डी जाई जहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तो ये हो गया हमारे पास फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन। अब सिमिलरली जैसे हमने वोलेटाइल इंटीग्रल इक्वेशन के कारण निकाले थे इसी तरह इसके भी निकाल सकते हैं, अगर एच एक्स बराबर जीरो हो तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन कहलाती है वो कहलाएगी हमारे पास फर्स्ट काइंड फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन, और जब एच एक्स बराबर वन हो तो उस कंडीशन में ये इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी सेकेंड काइंड फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन, और जब इसी तरह से अगर फ्रेंड्स हमारे पास अब एफ एक्स बराबर जीरो हो यानी एफ एक्स बराबर ये एफ एक्स सॉरी यहाँ पे एफ एक्स बराबर ये जीरो हो तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन जो कहलाएगी वो कहलाएगी हमारे पास होमोजीनियस फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन। बेसिकली सिर्फ ये चेंज हो जाएगा कि ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा और नाम हो जाएगा फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन। तो इस तरह से वोलेटा इंटीग्रल इक्वेशन एंड फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजीली। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लेम्बा जो कि एक इम्पोर्टेंट लेम्बा है इसी से रिलेटेड, इसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं।